और हमारे प्रेसिडेंट साहब को यकीन हुआ होगा कि हम किस तरीके से बुलाया गया है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं दावत देता हूँ। हमें बड़ा अफसोस है, टारगेट किलिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारे फोर्स के लोग जवान शहीद हुए और हमारा गैर रियासती बाशिंदा भी एक शहीद हुआ। सरकार को चाहिए दावों से ज़्यादा काम करे ज़मीन पे, क्योंकि वो पूरा जैसे अभी इलेक्शन चल रहा है 5 स्टेटों में, वहाँ पे डफली बजा रहे अमित शाह जी भी और मोदी जी भी, हमने एक जम्मू कश्मीर में हालात सुधारे, हमने मिलिटेंसी ख़त्म की, अगर की तो रजौरी में 10 हमारे फौजी शहीद हुए कैसे हुए, फिर वह कुकरनाग में हमारे कर्नल साहब मेजर साहब डीएसपी साहब शहीद हुए तो क्यों हुए, अभी एएसआई हमारा पुलिस वाला शहीद हुआ टारगेट किलिंग में क्यों हुआ, तो यही हालात ठीक हुए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी को बीजेपी को सियासत करने से ज्यादा हालातों पे ध्यान देना चाहे और जम्मू कश्मीर के हालात सुधारने चाहे। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि यहाँ के हालात अच्छे हों। क्या कांग्रेस अकेली जाएगी इलेक्शन में या इंडिया अलायंस के साथ? अभी पार्लियामेंट में इंडिया अलायंस हुआ है हमारा, पार्लियामेंट हम ज्वाइंटली लड़ेंगे, असेंबली का हम डिसाइड आगे करेंगे।